हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपेश, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, स्पेशलिस्ट इन हेयर ट्रांसप्लांट। टुडे वी हैव प्लान्ड ए रीडू केस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। पेशेंट वाज ऑपरेटेड 3-4 ईयर्स बैक फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट एज FUT, बट रिजल्ट वाज नॉट अप टू द मार्क। सो टुडे वी हैव प्लान्ड FUT अलॉन्ग विद FUE, and we are planning to give as much as graft, around 4000 graft in a single sitting, so we can give him a good quality of quality and density of hair. So today we'll demonstrate each step one by one and tell you about the hair transplant. मैं डॉक्टर दीपेश गोयल, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, रेजिवेना कॉस्मो केयर। आज हमारे पास मेरे एक पेशेंट आए हुए हैं, तो वो अपने हेयर ट्रांसप्लांट के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि ड्यूरिंग प्रोसीजर कितना पेन हुआ, हेयर आने में कितना टाइम लगा और रिकवरी में कितना टाइम लगा, उन्होंने कितने दिनों बाद अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, तो बताएं आप कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ये एक साल से पहले का हो चुका है मेरा ट्रांसप्लांट, और आई रिमेंबर दैट डे, इट वाज आई थिंक इन अ मंथ ऑफ जून व्हेन आई डिड इट, और मैं आपके पास आया था। ये एक दिन का प्रोसेस था, एक दिन में मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में हो गया था, मीन्स ट्रांसप्लांट आपने कर दिया था। उसके बाद मुझे छोटा सा हल्का सा हल्का पेन लग रहा था एक दो दिन, जो कि आपने जो भी एडवाइस की थी मेडिसिन उससे काफ़ी अच्छा रहा। और अगर मैं ऑपरेशन के टाइम की बात करूं तो इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल पिंस लगती हैं, आई थिंक जो कि हम आजकल के कई लोकल एनेस्थीसिया जो बोलते हैं, लोकल एनेस्थीसिया और आजकल के लोग टैटूज करवा रहे हैं, उससे भी कम मेरे को पेन हुआ था ये मैं कह सकता हूं। उसके बाद रिजल्ट एक हफ्ते तक मैं थोड़ा सा हल्का हल्का जरूर एनेस्थीसिया पेन था, लेकिन हाँ मैंने ड्यूटी अपनी ज्वाइन एक दिन के अंदर कर लिया था, मुझे जरा सा भी वेट नहीं करना पड़ा था। और उसके बाद जो रिजल्ट मैंने देखने शुरू किए वो 3 मंथ्स के बाद मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दिखने लग गए थे। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि एक प्रोसेस होता है, ये आपके सबसे पहले जो भी ट्रांसप्लांट आपने किया था वो बाल एक बार झड़ेंगे और उसके बाद रूट से नए बाल निकलना शुरू होंगे, तो सेम वही हुआ। और विद इन 3 मंथ्स आई हैव सीन ट्रिमेंडस एक्चुअली यू नो चेंजेस इन माय यू नो फेस, ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे हेयर आना शुरू हो गए थे, मुझे काफी अच्छा फील होने लग गया था। तो इट वॉज ओवरऑल अ वेरी यू नो सेटिस्फाई एक्चुअली यू नो थिंग फॉर मी, एंड आई एम रियली हैप्पी।